बहुत टफ मैच सी लास्ट सेकंड तक भी, बट बहुत वधिया खेडे है। हां जी, इन्ने हार्डवर्क के बाद भी ब्रॉन्ज मैडल लेके आए, भी इन्ने सालों के बाद इंडियन हॉकी के लिए गोल्ड मैडल ही होने चाहिए। साडे मन नूं बड़ी खुशी आ जी, आ वेखो तिन तिन ही तिरंगे झंडे फड़े हैगे, इस तों वध खुशी खुशी होर कड़ी हो सकदी हैगी। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ 40-45 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੇਡੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਡਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਡਲ ਤਾਂ ਮੈਡਲ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਖੇਲਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਗੋਲਡ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਗੋਲਡ ਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਮੈਡਲ ਆਵੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, भारतीय हॉकी टीम ने धमाकेदार जीत अपने नाम दर्ज करा ली है। पुरुष हॉकी ओलंपिक में भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और कांटे की टक्कर यहां पर रही, जर्मनी को 5-4 से यहां पर हराया है। और देखिए 5-4 से जीत अपने नाम यहां पर दर्ज की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, जिसका इंतजार देश कर रहा था, देश की तमाम जनता कर रही थी कि कब ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करेगी भारतीय पुरुष हॉकी टीम। 41 साल बाद ये धमाकेदार जीत हुई है और हॉकी में 41 साल बाद ये ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत की धमाकेदार जीत हुई है। हॉकी ओलंपिक में भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल और जर्मनी को 5-4 से हराया। ये मुकाबला बेहद ही दिलचस्प रहा, रोचक रहा, कांटे की टक्कर रही और इस बीच ये बेहतरीन, शानदार और ऐतिहासिक जीत अपने नाम दर्ज की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। धमाकेदार जीत यहाँ पर दर्ज की, 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया है और जर्मनी को 5-4 से हराया है। कांटे का मुकाबला यहाँ पर रहा और धमाकेदार जीत के साथ यहाँ पर ऐतिहासिक जीत यहाँ पर दर्ज की है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने और 41 साल बाद ये जो ब्रॉन्ज मेडल है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया। तो उम्मीद थी ब्रॉन्ज मेडल की अब, और ये उम्मीद पर खरे उतरे हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम। और देखिए किस तरीके से 5-4 से हराया जर्मनी को और ब्रॉन्ज मेडल भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम कर लिया है। धमाकेदार जीत के साथ शुरुआत करी और धमाकेदार जीत अपने नाम दर्ज कर ली है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। 5-4 से जर्मनी को हरा दिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। तो देखिए खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपने कुछ देर पहले बयान भी लोगों के सुने, किस तरीके से कहा जा रहा है कि मेडल मेडल होता है, चाहे ब्रॉन्ज मेडल हो चाहे गोल्ड मेडल हो, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक ऐतिहासिक जीत अपने नाम कर ली है। 41 साल को काम वो इंतजार था जो अब खत्म हो चुका है। 41 साल बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है और ढोल लगाड़ों की आवाज़ आप सुनिए, और यही ढोल लगाड़ों के साथ लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और अभी आपने कुछ देर पहले लोगों के बयान सुने, किस तरीके से खुशी का माहौल देखा जा रहा है लोगों में, कहा जा रहा है कि ये ब्रॉन्ज मेडल उनके लिए किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है। और जिस तरीके से भारत भी इंतजार कर रहा था, करोड़ों देश की जनता इंतजार कर रही थी कब भारतीय पुरुष हॉकी टीम 41 साल का वो इंतजार खत्म करेगी, और इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। ऐतिहासिक जीत भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने नाम दर्ज कर ली और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। देखिए जर्मनी और भारत के बीच में ये जो मुकाबला रहा था बेहद ही कांटे का रहा था, और इस कांटे की टक्कर में भारत ने जर्मनी को 5-4 से शिकस्त दे दी। बिल्कुल मुहाने पर बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना कि किनारे पर बैठे हुए हैं, सिर्फ उतरना है हमको ज़मीन पर, और उसमें एक व्यवधान आ गया हुआ, पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिल गया है। और ये देखिए जर्मन का पेनल्टी कॉर्नर आखिरी 10 सेकंड्स भी नहीं है उसके अंदर मिला है। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भारत जो लीड लिए हुए
पाँच चार की, उसको हम कैसे बरकरार रखते हैं, हमारे गोलकीपर, हमारी टीम, डिफेंडर्स और जर्मन टीम उस पर क्या एक्शन लेती है, क्या ये पेनल्टी कॉर्नर होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, हम सबकी निगाहें उस पर हैं। देखता हूँ मैं, गोल रोक गए, हम जीत गए। काफी मुश्किल मैच था ये। ये एक उदाहरण के तौर पर रखा जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, हॉकी की हिस्ट्री में। ये मैच ऐसा खेला गया है इस ब्रॉन्ज मेडल को, जो मैंने 20-30 सालों के अंदर ऐसा मैच नहीं देखा है। ये मैच एक एग्जाम्पलरी पेश करेगा, जहां पर जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं दुनिया भर की, वो इस मैच को दिखाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैच हाई पिच के ऊपर खेला गया है, हाई क्वालिटी ऑफ द मैच, सुपर हर खिलाड़ी का इसके अंदर रोल अहम रहा है। तो ये एक ऐसी उपलब्धि भारत को मिली जो बरसों बाद हम लोग इसको हासिल करने के लिए कार्यरत थे, प्रयासरत थे। और सबसे बढ़कर इस बार जो सरकार ने अपना इंटरेस्ट दिखाया, मोदी साहब ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया, वो एक सबसे बड़ी हमारे लिए, देश के लिए चीज़ बनी है। और उसका असर आज मैच में देखने को मिला है। जो टीम खेली है वो स्पिरिटेड टीम खेली है, जिसको कहते हैं ना अपने आप से स्पिरिट होना। ये जीत